हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइज, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। एक एक वर्ड की इंग्लिश में यहाँ पर आपको समझाऊंगी और जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रमन और राज अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे? मीन्स इसमें कोई भी एक्शन नहीं है, क्या है वो? अच्छे दोस्त हैं, तो मीन्स सिंपल इज एम आर वाला ये सेंटेंस है। अगर इसमें एक्शन होता तो हम वर्ब की फॉर्म को लगाते हैं इसमें, ठीक है। रमन एंड राज, ठीक है, दो हैं तो हम क्या लगाएंगे? आर। इज एम आर में से हम लगाएंगे आर को। आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें कुछ बच्चे क्या है, कंफ्यूज रहते हैं कि आर लगा है, हम इसमें कोई वर्ब की फॉर्म लगाएं या नहीं लगाएं। ये जो सेंटेंस होते हैं ये होते हैं सिंपल सेंटेंस, ठीक है। दोनों आपस में बात कर रहे हैं। दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। इसमें क्या है? बात करने का एक्शन है, तो मीन्स इसमें वर्ब की फॉर्म आएगी। और रहे हैं का सेंस आ रहा है तो कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब दोनों आपस में बात कर रहे हैं तो दोनों की क्या होती है? बोथ आर। बात करने की क्या होती है? टॉक। आईएनजी लगाएंगे क्योंकि कंटिन्यूअस का रूल है, सब्जेक्ट इज एम आर, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। बोथ आर टॉकिंग टू ईच अदर। ईच अदर मीन्स आपस में एक दूसरे से। क्लियर है यहां तक? रमन एंड राज आर गुड फ्रेंड्स, दोनों अच्छे दोस्त हैं। दोनों आपस में बात कर रहे हैं। बोथ आर टॉकिंग टू ईच अदर। रमन राज की पसंद और नापसंद जानना चाहता है। अब ये कौन सी है? प्रेजेंट इनडेफिनिट है ना, जिसमें हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो एस या ईएस लगता है, और ऑब्जेक्ट। अब रमन राज की पसंद नापसंद जानना चाहता है, कैसे बनाएंगे? रमन चाहता है, चाहने की क्या होती है? वॉन्ट। अब नहीं, शी, इट और नेम के साथ हम लगाते हैं एस या ई एस। अब रमन नेम है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एस या ई एस तो लगाना ही पड़ेगा, तो क्या आएगा? वॉन्ट्स। तो ये दो वर्ड मिलकर क्या बनाते हैं कि रमन चाहता है, इतना तो हमारा बन गया। क्या चाहता है? राज की पसंद और नापसंद जानना। वॉन्ट्स टू नो। टू नो मीन्स जानना। किसकी नापसंद? राज की। अब राज लिखकर हम क्या लगाएंगे? अपोस्ट्रोफे एस, ठीक है। इसका मीन्स क्या होता है? का के की मीन्स राज की। क्या मीन्स? इसके आगे भी कुछ है, पसंद और नापसंद, लाइक्स और डिसलाइक्स। आया समझ में? फर्स्ट वाला सिंपल है, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और जो थर्ड वन है वो है प्रेजेंट इनडेफिनिट। आगे बढ़ते हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। इसके सेम टू सेम जैसे आप सेंटेंस बना सकते हैं, सीता और गीता अच्छी फ्रेंड हैं, ठीक है, लाइक दोनों आपस में बात कर रही हैं, इस तरह से मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू हर, इस तरह से आप सेंटेंस को बनाकर देखा कीजिए। रमन पूछता है, राज तुम्हें खाने में क्या अच्छा लगता है? रमन पूछता है। अब क्या है? ता है का सेंस आ रहा है, अब रमन भी है। रमन क्या है? पूछता है, आस, ठीक है, पूछने की होती है आस। हमने साथ में क्या लगा दिया? एस, क्योंकि ही शी इट नेम के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगता है। अब बना कि रमन पूछता है, अगर हम सिर्फ आस लगा देंगे तो ये ग्रामेटिकली रूल के अकॉर्डिंग गलत होगा। क्या पूछता है? राज तुम्हें खाने में क्या अच्छा लगता है? अब ये कौन सा है? प्रेजेंट इनडेफिनिट है, लेकिन डब्ल्यू एच फैमिली है इंटेरोगेटिव, है ना, जिसमें अगर क्या से शुरू होता तो हम डू डस से स्टार्ट करते, लेकिन क्या बीच में आ रहा है तो हम किससे करेंगे? डब्ल्यू एच फैमिली से। तो कैसे बनाएंगे कि राज, व्हाट डू यू,
तुम्हें, तुम्हें क्या होती है यू, तो यू के साथ हम क्या लगाते हैं डू। वॉट डू यू लाइक फर्स्ट फॉर्म, वॉट डू यू लाइक, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। लेकिन उसने क्या पूछा है, खाने में, टू ईट, तुम्हें खाने में क्या अच्छा लगता है राज, वॉट डू यू लाइक टू ईट। ठीक है, इसी तरह से आज आप अपनी फैमिली में सबको क्वेश्चन कर सकते हो उनका नाम लेकर कि मॉम वॉट डू यू लाइक टू ईट, है ना। पापा आए तो उनको भी पूछो, कोई फ्रेंड हो उसको भी पूछो। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो आपके मुंह पे चढ़ जाएगा और इजीली आप एवरी डे इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तुम्हें कौन सा रंग अच्छा लगता है ना, हम ना पूछते हैं ना कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, कौन सा रंग अच्छा लगता है। अब कैसे बनाएंगे, वॉट कलर डू यू लाइक, ठीक है, वॉट कलर डू यू लाइक, कि तुम्हें कौन सा रंग अच्छा लगता है। क्लियर है, मुझे पता है तुम घूमना पसंद नहीं करते हो, मुझे पता है, पहले इतनी बनाते हैं। आई, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म, आई नो। क्यों, यहां पर हम एस या ईएस इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये ग्रामेटिकली गलत होगा। आई वी यू दे के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ही शी इट या किसी नेम के साथ हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। मुझे पता है, आई नो, तुम घूमना पसंद नहीं करते हो। यू डू नॉट, डू के साथ हमने क्या लगाया, नॉट। यू डू नॉट लाइक, पसंद है ना, टू ट्रेवल, यू डू नॉट लाइक टू ट्रेवल, मुझे पता है तुम घूमना पसंद नहीं करते हो। क्लियर है, राज को बहुत अच्छा लगता है कि रमन उसे कितना प्यार करता है। जब ये बातें वो पूछता है तो राज को बहुत अच्छा लगता है। राज फील्स, राज फील्स, डबल ई है, ठीक है, राज फील्स गुड, उसको अच्छा लगता है दैट, कि रमन उसे कितना प्यार करता है, कि हाउ मच रमन लव्स हिम, ठीक है, हाउ मच रमन लव्स हिम, डब्ल्यू एच फैमिली है, ठीक है, रमन उसे कितना प्यार करता है, कितना मीन्स हाउ मच, डब्ल्यू एच फैमिली में से है तो सबसे पहले हमने वो लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फॉर्म, वर्ब की फॉर्म के साथ हमने एस या ईएस इसलिए लगाया क्योंकि रमन है, नेम है किसी का, और ऑब्जेक्ट कि उससे कितना प्यार करता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इतने में रमन की माताजी आ जाती हैं और पूछती हैं, इतने में मीन्स इस दौरान, ये भी बोल सकते हैं, इसकी इंग्लिश होती है मीन वाइल, मीन वाइल रमन की माताजी, रमन्स मदर, रमन्स, रमन्स मीन्स रमन की, अपोस्ट्रोफे एस का मीनिंग होता है का के की, रमन की माताजी, रमन्स मदर आ जाती हैं, तो मीन्स कम्स, ठीक है, आती हैं, एंड आस पूछती हैं, आस, आस के साथ हमने एस लगाया क्योंकि क्या है ये, प्रेजेंट इंडेफिनेट का रूल है, ठीक है, उसकी माताजी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वो पूछती हैं, आस के साथ हम एस लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तुम क्या खाओगे, तुम क्या खाओगे, कौन सा है ये, गागेगी का सेंस आ रहा है, फ्यूचर इंडेफिनेट का इंटेरोगेटिव है, डब्ल्यू एच फैमिली वाला, तुम क्या खाओगे। अब क्या अगर पहले आता तो हम विल से स्टार्ट करते, अब क्या बीच में आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, तो हम डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट करेंगे। वॉट विल यू ईट, क्वेश्चन मार्क, वॉट विल यू ईट, यहां भी मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए हैं तो ये आप लगा दीजिए, ठीक है। मीन वाइल रमन्स मदर कम्स एंड आस्क वॉट विल यू ईट, तुम क्या खाओगे। आगे देखते हैं, रमन कहता है कुछ नहीं, हम खेलने जा रहे हैं, रमन कहता है, रमन सेज
ठीक है, रमन से के साथ भी हमने एस लगाया क्योंकि रमन है आगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, रमन कहता है, रमन सेज नथिंग, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, हम खेलने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू प्ले, कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट, इज एम आर में से हमने आर को चूज किया क्योंकि वी है, वी के साथ हमेशा आर आता है, फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, वी आर गोइंग टू प्ले, हम खेलने जा रहे हैं, क्लियर है यहां तक का, आगे देखते हैं। माँ कहती है पहले जाओ पापा को बुला लाओ, ठीक है, पहले जाओ पापा को बुला लाओ, शायद वो बाहर हैं, बोलते हैं ना हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम ये बातें करते हैं, तो कैसे बनाएंगे, माँ कहती है, मदर सेज पहले जाओ, या फिर सबसे पहले जाओ, फर्स्ट गो एंड पापा को बुला लाओ, गेट योर फादर, गेट योर फादर, जब हम हिंदी से इंग्लिश को बनाते हैं तो एग्जैक्ट हम मीनिंग नहीं लिख सकते, इसको हमें मोल्ड करके लिखना ही होता है, गो एंड गेट, गेट मीन्स लाना, गेट योर फादर, पहले जाओ और अपने पिता को बुला लाओ, ठीक है, शायद वो बाहर हैं, शायद, शायद मीन्स मे बी क्या लिखेंगे, ही इज आउटसाइड, मे बी ही इज आउटसाइड मीन्स बाहर है, कि शायद वो बाहर है, मे बी ही इज आउटसाइड, आगे देखते हैं, अच्छा माँ मैं देखकर आता हूं वो बाहर है या नहीं, कैसे बनाएंगे, अब बाहर है या नहीं, इसके लिए भी एक स्ट्रक्चर होता है, अच्छा माँ, ओके मदर, ठीक है, मैं देखकर आता हूं, अब देखिए जाना और आना, ये काम जो है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूटी में हो रहा है, मैं देखकर आता हूं, आई एम गोइंग टू सी, अब बच्चे कहेंगे कि इसमें रहा है नहीं है, ठीक है, यहां आता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, नहीं, हमें सेंस को भी समझना है, प्रेजेंट इंडेफिनेट हम वहां यूज करते हैं जहां कोई आदत हो या हम अपने बारे में बताते हैं, ठीक है, इसमें वो क्या है, वो देख कर आता है मीन्स देखने का काम हो जो है वो हो रहा है अभी, है ना, तो इसकी सेंस को समझना बहुत जरूरी है, आई एम गोइंग टू सी, मैं देख कर आता हूं, वेदर, वेदर और वाला स्ट्रक्चर लगेगा मीन्स या नहीं, वेदर ही इज आउटसाइड और नॉट, है बाहर है या नहीं, तो इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर है, वेदर और वाला, इसका जो कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाएंगे, आई एम गोइंग टू सी, मैं देखकर आता हूं, वेदर ही इज आउट और नॉट, कि वो बाहर है या नहीं, ठीक है, पिताजी आते हैं और सब मिलकर खाना खाते हैं, फादर कम्स, फादर कम्स, अब तो आपको पता है कि कम के साथ मैंने एस क्यों लगाया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फादर कम्स आते हैं, एंड और सब मिलकर, एवरीवन, एवरीवन ईट्स टुगेदर, एक साथ मिलकर खाना खाते हैं, ईट्स एवरीवन, ठीक है ना, सॉरी ज्यादा है, एवरीवन है तो हम एस नहीं लगाएंगे, ठीक है, एवरी वन ईट टुगेदर, हर कोई खाता है, अगर सिंगुलर होता, यहां पर एक एक होता और थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही एस लगाते, ठीक है, राज कहता है अब मुझे चलना चाहिए, राज सेज, राज सेज क्या कहता है, अब मुझे चलना चाहिए, कि मीन्स अब बहुत जरूरी है कि मुझे चलना चाहिए, तो यहां पर हम शुड का यूज नहीं करेंगे, वैसे तो चाहिए के लिए शुड का यूज होता है, अब यहां पर जरूर चाहिए तो मीन्स आई मस्ट गो नाउ, ठीक है, जहां जरूर आ जाए मीन्स चलना ही चाहिए, बहुत देर हो गई है, इट्स टू लेट, इट्स टू लेट, आई मस्ट गो नाउ,
मुझे जरूर चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है, इट्स टू लेट, मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। अगर इसमें हम देखा जाए दो सेंस बैठती हैं, कर रही होगी तो मींस ये क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस भी बैठता है यहाँ पर, उसका स्ट्रक्चर लगेगा। लेकिन अगर माँ मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रही होगी, तो फिर हम मस्ट बी लगाएंगे, नहीं तो हम विल बी लगाएंगे। अभी तो हम विल बी लगाकर बना रहे हैं, मेरी माँ, माई मदर, ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, है ना, विल बी वेटिंग, इंतजार, मेरा इंतजार कर रही होंगी, मेरी माँ इंतजार कर रही होगी, माई मदर विल बी वेटिंग। तो यहां तक का था। अगर देखा जाए कि वो बहुत ज्यादा मतलब उत्सुकता से कर रही हैं, तो माई मदर मस्ट बी, जरूर मेरा वेट कर रही होंगी। तो हम दोनों तरह से बना सकते हैं, मस्ट बी वेटिंग, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा गाइस। तो प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उसको शेयर करें, ताकि इस वीडियो को सब लोगों तक पहुंच पाए। और बहुत जल्दी ही मैं आपके लिए एक कोर्स तैयार कर रही हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से, उसमें सेंटेंस बहुत कुछ होगा, तो उसका वेट कीजिए, लेट्स सी कब तक आता है। गॉड ब्लेस यू।